तो कोई दे देते रिंकू सिंह को दे देते। प्रिंस है वो अपनी मर्जी से खेलता ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं खेलता। चाय लेकर आओ पहले, तुम मेरे लिए तुम पहले मेरे लिए चाय। इसकी मेरे साथ शर्म आ जाए, इसने तो बाबर आजम को नहीं छोड़ा था तो ये इन जैसे बच्चों को कैसे छोड़ देता है ये सर। साउथ अफ्रीका यार क्या आप लोगों ने ग्रूम किया यार, 10 स्कोर ऊपर करके वो भी होल टीम अपने होम ग्राउंड में। अपने होम ग्राउंड के यही इंडिया की बॉलिंग थी, यही साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी, लेकिन कहाँ गई आज भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग। मुझे वर्ल्ड कप की याद आ गई, 89 में वो होल टीम आउट हुए थे इन लोगों को, आई गेस पूरी 100 भी नहीं। करेंगे बी टीम यंग है, साउथ अफ्रीका आज तंग है। देखिए यही असल क्रिकेट है, फेयरलेस अप्रोच है। वो आते हैं उनका टारगेट ये है जी अगली टीम को हमने बस टिकने नहीं देना यार। अभी उसका नहीं मूड यार, अभी नहीं मूड है यार मेरा, पता है सूर्या खड़े हैं। हां उसको पता है यार, यार भी ये कह लेंगे इंडिया के बॉलर्स ने आगे धमाल मचाया है। मैं कहता हूं कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बस आज तबाही मचाई हुई थी आज उन्होंने देखे। मैं अभी हाइलाइट्स देख कर आया हूं मैच की। ओके यार इतना शौक हो, मेरा मोबाइल टूट गया है। मोस्ट सेंचुरीज इन T20 फॉर्मेट, यस भाई बिल्कुल officially goat। पता आपको पता भूखे शेर हैं इंडिया वाले, उन्होंने तो तबाही मचानी है। नंबर 1 T20 बॉलर बिश्नोई बाहर बैठा है और उसके बावजूद उन्होंने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड में 100 भी नहीं करने दिया। यही पाक उन्होंने सेके डाले हैं। हड्डियां नहीं तोड़ दी यार उसकी बॉलिंग ने, विकेटें तो टूटती हैं, हड्डियां टूट जानी थी यार। बॉलिंग का जादू दिखाया है, साउथ अफ्रीका के धुएं निकाल दिए आज उसने कुलदीप ने। मैं कहता हूं शानदार बॉलिंग थी आज की। तो आदि अगर बारिश ना होती तो ये 3-0 से व्हाइट वॉश होते और पता चलता जी कि टीम इंडिया बायलैटरल सीरीज की किंग है। तो वो एज अ बॉलर उसने अपना जो हक था उसको अदा किया, 5 विकेटें लेके, और क्या मजे की यार बॉलिंग गई है उसकी। बड़े बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं, कितनी जबरदस्त उनकी बैटिंग लाइन थी, हैंड्रिक से लेके मिलर एंड्रिक पैथलक्वायो सारे उसने किसी को नहीं छोड़ा भाई। इंडिया ने ऐसे बर्बाद किया ना उनकी बैटिंग लाइनअप को, मैं कहता हूँ बस एंड हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज क्या किया इंडिया ने, 106 से विक्ट्री, कुलदीप यादव 5 आउट, वो भी सिर्फ 17 स्कोर खाए, ये ऐसे नहीं होता सर, ये नहीं है। देखिए ये होती है डोमिनेशन जो टीम इंडिया ने शो करवाई है, उनके ग्राउंड में जाके उनको इस तरह मार दिया कि तीनों डिपार्टमेंट उनको आउट क्लास करे। कुलदीप यादव की आपने बात की, उसने भी अपना कोटा भी पूरा नहीं किया था, 3rd ओवर था, सिर्फ 17 रन, 5 खिलाड़ी आउट, और देखिए उन्हें कितने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट किए हैं, कितनी जबरदस्त उनकी बैटिंग लाइन थी, हैंड्रिक से लेके मिलर एंड्रिक पैथलक्वायो सारे उसने किसी को नहीं छोड़ा भाई। देखें शुरू में आके मैडन ओवर निकालना, वो भी T20 सीरीज में, T20 में, ये लड़का दिन ब दिन मजीद ऊपर जाता जा रहा है। इसने तो बाबर आजम को नहीं छोड़ा था तो ये इन जैसे बच्चों को कैसे छोड़ देता है ये सर। क्या आज हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आई, जिस तरह से साउथ अफ्रीका और इंडिया मैच चल रहा था, पिछले मैच में जिस तरह से इंडिया हारा, उन लोगों ने आज तो बताया ही नहीं कि हम लोग तो पिछले मैच में हारे थे, ये तो लगता ही नहीं है ऐसा। पिछला मैच इंडिया हारा नहीं है, बारिश ने साउथ अफ्रीका को जितवा दिया। अगर बारिश ना होती तो ये 3-0 से व्हाइट वॉश होते और पता चलता जी कि टीम इंडिया बायलैटरल सीरीज की किंग है। तो वो ICC टूर्नामेंट्स की भी, लेकिन वो नॉकआउट स्टेज में जाके किसी ने किस तरीके से हार जाती, बहाना ढूंढ लेती है कोई ना कोई हारने का, लेकिन भाई बायलैटरल सीरीज की किंग बन गई है। बैटिंग तो परफॉर्म कर गई कर गई, बॉलिंग ने कहा किधर भाई हम भी हैं। देखें जैसे आज कुलदीप चले हैं, हाँ। यार पहले तो हम देखते रहते थे मोहम्मद शमी फाइवर है ODI वर्ल्ड कप में, लेकिन कुलदीप ने जैसा कमबैक किया, नो डाउट कह लेंगे इंडिया को एक वही मोहम्मद शमी, हाँ। की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने, एक वो मैच आपको जहाँ पे बारिश के कहीं इम्कानात नहीं, आज उनको पूरी एक रो मिली है, एक हाँ। पूरी फ्लो मिली है, ठीक है। तो आज इंडिया ने ऐसे बर्बाद किया ना उनकी बैटिंग लाइनअप को, मैं कहता हूँ कि बस एंड हो गई। कुलदीप यादव की तो मैं बात करूंगा कि यार वो तो समझ लें कि मैन ऑफ द मैच ही समझ लें उसको, जिस तरह से 5 विकेट उसने ली है, और उसके अलावा बहुत अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही पूरी टीम की भी, और एज अ बॉलर उसने अपना जो हक था उसको अदा किया, 5 विकेटें लेके, और क्या मजे की यार बॉलिंग गई है उसकी। उसके अलावा अगर आप सूर्या कुमार यादव की बात करें, हाँ। तो मैं कहूँगा कि यार हैट्स ऑफ इस बंदे को, किसने इतना यार अच्छी कैप्टनसी को निभाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका में आपने देख लिया, चले मैच ड्रॉ हुआ, पहले वाले 2 मैच तो समझ लें कि वो वैसे ही की वजह से जीत गए, वो कुछ भी मैटर नहीं करते क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन आप क्या सुन रहे हो गौर से? मैं तो भाई की बातें सुन रहा हूँ कि भाई मैं कहता हूँ भाई की बातों के साथ साथ पता चल रहा है कि मैं अभी हाइलाइट्स देख कर आया हूँ मैच की। ओके यार इतना शौक हो, मेरा मोबाइल टूट गया है। उफ। ये दूसरी दफा मेरा मोबाइल टूटा है इंडिया की वजह से। पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन लोगों ने सीरीज में जो एकदम से इन लोगों ने हादसा किया था तब टूटा, और अब यार अपील करता हूँ कि मुझे नया मोबाइल दे दो, आप लोगों को सपोर्ट करता करता मैं गरीब हो रहा हूँ यार। सूर्या कुमार यादव आपने, मैं कहता हूँ मैंने नहीं आज तक सूर्या कुमार यादव जैसा कैप्टन, न्यूली इमर्जिंग कैप्टन देखा, जिसने 55 बॉल्स के अंदर
सेंचुरी की बिल्कुल ऐसी है। देखे इंडिया की अगर बैटिंग की बात करें वो कोई इतनी खास नहीं थी, क्योंकि वो इंडिया की आदत है हमेशा ही ऐसी देखने को मिलती है। अगर इंडिया की बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में बड़ा अच्छा कमबैक हुआ और कुलदीप यादव ने जो कमबैक किया कमाल कर गया, फाइफर मार गया। इंडिया के ना जितने भी बॉलर है उन्होंने बारियां लगाई होती हैं, आज इसने मारना है फाइफर, आज इसने मारना है, जैसे हम वर्ल्ड कप में देख रहे थे। अब फिर दोबारा वही सिचुएशन शुरू हो गई है, वही काम दोबारा शुरू कर दिए। आज देखें, अब कल के मैच में देखने यही इंडिया की बॉलिंग थी, यही साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी, लेकिन कहाँ गई आज भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग। वो तैयारी करके आए थे। सबसे बड़ी बात है जब आप मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्क करते हैं ना, तो फिर रिजल्ट आज की तरह हमें नजर आता है। 8 छक्के 7 चौके मारना एक बहुत बड़ी बात होती है एक नए न्यूली कैप्टन के लिए। और उसका कौन सा जो स्पिनर है उसका क्या नाम था, कुलदीप यादव, 5 विकेट। ओ माई गॉड, ये 5 मारने की गंदी आदत पड़ गई है, रिकॉर्ड तोड़ने की इनको आदत पड़ गई है भाई। आज बाबर आजम का भी इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सूर्य कुमार यादव ने मोस्ट सेंचुरीज इन T20 फॉर्मेट। यस भाई, ऑफिशियली गोट फुटबॉल के अंदर मेसी गोट, क्रिकेट के अंदर सूर्य कुमार यादव गोट, T20 के अंदर भाई। हाँ, T20 के अंदर वैसे ऑल क्रिकेट का गोट एक ही है, किंग कोहली। किंग कोहली सर, ये देखे ना, मतलब लोग जो है वो पागल हो गए। इंडिया वाकई में फाइफर जो है अपनी आदत बना चुका है, हर मैच के अंदर फाइफर कोई ना कोई बॉलर ले जाता है। इसके बारे में क्या कहेंगे, आज तो मतलब समझ ही नहीं कुछ आया। देखिए इंडिया के बॉलिंग पे बात करें, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया अपनी बॉलिंग पे कि नंबर 1 T20 बॉलर बिश्नोई बाहर बैठा है, और उसके बावजूद उन्होंने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड में 100 भी नहीं करने दिया। नंबर 1 T20 बॉलर बिश्नोई बाहर बैठा है, और उसके बावजूद उन्होंने साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड में 100 भी नहीं करने दिया। यही पाकिस्तान होता ना, T20 का नंबर 1 रैंकिंग वाले बॉलर से लोगों ने 10 के 10 ओवर कराने थे और उसको ही सबसे ज्यादा मार पड़नी थी। रोजगारी बात, आपको पता भूखे शेर हैं इंडिया वाले, उन्होंने तो तबाही मचानी है। जैसे शुभमन गिल आपको पता है 12 पे आउट हो गया, कुलदीप ने कहा भाई तू टेंशन ना ले, तेरा बदला मैं अभी साउथ अफ्रीका से लेता हूँ। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग का जादू दिखाया है, साउथ अफ्रीका के धुएं निकाल दिए आज उसने, कुलदीप ने। मैं कहता हूँ शानदार बॉलिंग थी आज की। यार कुलदीप यादव ने मेरे ख्याल से ना सर्दी थी ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि टांगे जरा गर्म कर दें साउथ अफ्रीका वालों की, इस वजह से उन्होंने ऐसी बॉलिंग की है, तो उन्होंने सेके डाले हैं। हड्डियां नहीं तोड़ दी यार उसकी बॉलिंग ने, विकेटें तो टूटती हैं, हड्डियां टूट जानी थी यार। वैसे भी बात करेंगे ये बी टीम यंग है, साउथ अफ्रीका आज तंग है। वेरी नाइस यार, देखे ना बिश्नोई कितना आउट क्लास, नया इमर्जिंग बॉलर स्पिनर, और हमारा यहाँ पे नवाज यार, एक या क्रिकेट हो या मुल्क के हालात हो, हमें गिराने वाला हमेशा नवाज ही होता है। बॉलर को बिठा के ये लोग 95 पे ऑल टीम आउट। नंबर 1 तो फिर विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, ठीक है पांड्या भी है। देखिए इंडिया के पास कोई कमी नहीं है नंबर, वो इस पोजीशन में नहीं आपको लेके आती कि आप नंबर 1 है या नंबर 10 है, वो आपकी आपको पोजीशन के हिसाब से लेके आती है। आप जैसी नंबर की बात नहीं होती, देखिए इंडिया के लिए सीरीज इतना मैटर नहीं करती, उनके लिए उनका टैलेंट बहुत मैटर करता है, वो अपना टैलेंट तैयार करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, ग्रूम करते हैं। देखे अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, देखे हमें तैयारी देखने को मिल रही है, कैसा कैसा टैलेंट बाहर निकलने को आ रहा है। देखे IPL में देखते थे 200 प्लस टारगेट जा रहा है, आज IPL के बच्चे आगे इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका के अंदर 200 प्लस हमें फिर आज देखने को मिला। उसके बाद जो बॉलिंग देखने को मिली है वो भी बहुत आउट क्लास थी। आउट क्लास सर, ये जो परफॉर्मेंसेस की गई हैं कुलदीप यादव की तरफ से, जो परफॉर्मेंस आई, फिर हम सिराज को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, उसने जिस तरह से स्कोर्स को रोका है, That was wonderful, I guess. नहीं देखें, शुरू में आके मैडन ओवर निकालना, वो भी T20 सीरीज में, T20 में जहाँ पे सबकी ये कोशिश होती है 3 से 4 पहले 5 ओवरों में हमने ऐसा स्कोर करना है कि अगली टीम को टेक मिले, वहाँ पे ऐसा मसलन कह लें कि इंडिया के बॉलर्स ने आगे धमाल मचाया। मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन बस आज तबाही मचाई हुई थी। आज उन्होंने देखे सिराज, वही सिराज था जो पिछले मैच में भी खेला, आज उसने आगे पहला ओवर मैडन निकाल दिया, दूसरे में मुकेश कुमार ने आके विकेट ले ली। यही साउथ अफ्रीका का हमने देखा 2-3 ओवर में 40 प्लस स्कोर था पिछले मैच में, आज देखें सिराज ने कैसा मेडल निकाला है। तो ये भी कहा उन्होंने 20 ओवर नहीं करने दिए, याद आ गई मुझे वर्ल्ड कप की, याद आ गई 89 पे वो ऑल टाइम आउट हुए थे इन लोगों को, आई गेस पूरी 100 भी नहीं, 10 स्कोर ज्यादा मत करने दिया भाई साउथ अफ्रीका यार, क्या आप लोगों ने ग्रूम किया यार, 10 स्कोर ऊपर करके वो भी ऑल टाइम आउट अपने होम ग्राउंड के अंदर। मैं तो हैरान हूँ कि होम ग्राउंड के अंदर साउथ अफ्रीका हार के से रिया गया, तो मैंने मुझे बहुत ही ना कम नजर आया कि साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड के अंदर T20 सीरीज के अंदर या ODI के अंदर किसी ने सेंचुरी, वो भी साउथ अफ्रीका जाइंट है अपने घर का शेर है, लेकिन भाई गया कौन है खेलने, इंडिया गया बस सर। इंडिया लोग परेशान कर दिए इंडिया ने यार, बिल्कुल जो बातें निकल रही थी ना हेटर्स की तरफ से कि इंडिया सिर्फ अपने घर में शेर है ये है वो है, वो सारी बातों को आज झूठा साबित किया इंडिया वालों ने, और वो भी
बी टीम ने साबित किया कि यार नहीं अभी तुम्हारे बड़े नहीं आए, हमसे पहले निबड़ लो फिर बाद में जाके बात करना, और उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस किया उसके अलावा और कमाल है। देखिए यही असल क्रिकेट है, फेयरलेस अप्रोच है, वो आते हैं उनका टारगेट ये है जी अगली टीम को हमने बस टिकने नहीं देना, उनको सेट ही नहीं होने देते। अगर देखे बैटिंग में आके तो आज जसवाल ने अटैक शुरू कर दिया था, शुभमन गिल आउट हो गया, उसके बाद तिलक रामा भी पहली बॉल पे आउट हो गया, लेकिन फिर आया सूर्य कुमार यादव। वो बंदा कप्तानी का प्रेशर लेना मेरा दिल तोड़ा है, मैं ना यहाँ पे लेटियां ले रो रहा था कि इसने किया क्या यार। प्रिंस यार व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, तुम क्यों कर रहे हो? सूर्य कुमार यादव को ही मैं तो कहता 10 की 10 बारी सूर्य कुमार यादव को ही दे देते, रिंकू सिंह को दे देते। प्रिंस है वो अपनी मर्जी से खेलता ठीक है ना, वो तुम्हारे लिए नहीं खेलता, चाय ले कराओ पहले तुम मेरे लिए, तुम पहले मेरे लिए चाय, इसकी मेरे साथ शर्त लगी थी अपनी मर्जी से परफॉर्म करना ठीक है, इसकी मेरे साथ शर्त लगी थी चाय चाय की, ये हार गया मेरे से चाय, इसने कहा था साउथ अफ्रीका सीरीज जीतेगी। यार मेरी बात सुनो, उसने अपनी मर्जी से खेलना ठीक है, वो तुम्हें दिखाने के लिए नहीं खेल यार, अभी क्यों? इसका नहीं मूड यार, अभी नहीं मूड है यार मेरा, पता है सूर्या खड़ा है, हाँ उसको पता है यार, यार और भी ये बच्चों को क्या है यार, यार यार उस यार उसको पता है 120 गेंदे हैं, मैं सारी खेल गया तो बाकी टीम क्या करेगी, बच्चों ने यार खेलने क्यों गए हो, खेलने क्यों गए हो, वो तो वैसे ही गया है एंजॉय करने गया है उधर, वो तो वैसे मतलब ये मैम मेरे से चाय हार है यार, गुस्सा निकाल रहा है, जसवाल को नहीं उसने खेलने देना, सूर्या को नहीं खेलने देना, सूर्या बेचारा वो उधर बेचारा है कैप्टन है भाई, वर्ल्ड कप में बेचारा एंड पे आता था, उसके पास गेंद ही नहीं थी, कौन कर रहा है जिसको बल्ले के अंदर बैटिंग नहीं मिलती, भाई रहने दो छोड़ो, 10 पे आउट हो जाते थे, लास्ट से क्या गुजरना है, वो बॉलिंग और बैटिंग देख के मर गए थे पहले ही, हाँ। तो मैं कहा एक लास्ट में भी 11 लाशों से गुजरना पड़ना था एक ही तो दूर की रही, हाँ। तो मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने आज ना दिल जीत लिया, क्योंकि जिस तरह आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, इतनी टफ टीम है, टफ टाइम देने उनको, उनसे पहले सीरीज जीती है, आज आपको पता साउथ अफ्रीका से जीत लिया है, तो मैं कहता हूँ आज मजा आ गया, सूर्या कुमार यादव की जो कैप्टनसी है ना, मैं कहता हूँ बैट्समैन भी बहुत शानदार और कैप्टन भी बड़ा शानदार, के बाद विकेट ले ली, 27 पे 2 आउट हो गए, किधर गए क्लासन मिलर मार्करम, आज नजर नहीं आए कहीं, कोई भी नजर वो घर चले गए ना, उन्होंने जल्दी अपनी कह लें कि टिकट बुक करवा ली थी कि वापस हम इंडिया जा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए कि यार हम साउथ अफ्रीका से हैं कि इंडिया से हैं, वो भूख लगी हुई थी उन्होंने ना आज लंच करना डिनर, तो लग रहा उनको ठंड लगी हुई थी, ठंड भी लगी हुई थी और उन्होंने आज भूख भी लगी थी, देखिए आज उन्होंने डिनर भी करना था, जाके सोना भी था, तो आज टाइम से